हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस चुनाव की सबसे अच्छी तस्वीर देखने को नागाड़ी में मिली। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का घमासान पूरा होने के बाद सबसे अच्छी तस्वीर देखने को नागाड़ी गांव में मिली। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है और आपको हर जगह देखने और सुनने को सिर्फ एक ही बात मिलती है। चुनाव हारने के बाद आपस में झगड़े हुए, मगर नागाड़ी पंचायत समिति चुनाव में सबको चर्चा में रखने वाली तस्वीर पूरे जिले के लोग में एक सरसा हो रही है कि ऐसा एकता हर गांव में या बड़े शहर में देखने नहीं मिलती। हाँ, मगर नागाड़ी में जरूर दिखी। ये पंचायत समिति के 17 नंबर वार्ड की सीट थी, मगर कांटे की टक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार दोलाराम मेघावल जीते और बीजेपी उम्मीदवार राजाराम मेघावल हारे, मगर दोनों उम्मीदवार ने एकता के साथ मिलकर गांव के लोगों ने ढोल बाजे के साथ और पटाखे गुलाल के साथ दोनों को माला पहनाकर पूरे गांव में घूमे और लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया और अपने अपने घर पहुंचाए। पूरे गांव के लोग, बच्चों से लेकर महिला और पुरुष आदि ने मिलकर रैली के साथ ढोल बाजे के साथ घर भेजी। ऐसी तस्वीरें देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। समाज सेवी महेंद्र सिंह परमार, मोटाराम चौधरी, नागेंद्र सिंह देवड़ा, गोकुल भाई देवासी, मालाराम प्रजापत, कानाराम चौधरी, नारायण सिंह देवड़ा, हीर सिंह राठौड़, जीतू घांची, जतन सिंह देवड़ा, अशोक कुमार घांची, दशरथ सेन, सजू रावल, गजेंद्र लुहार, भरत प्रजापत, मनीष सोनी, ताराराम मेघावल, मोहनलाल घांची, जितेंद्र कुमार सेन, विनोद कुमार छीपा आदि ग्रामीण मौजूद थे। जागरूक टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।